तो यार गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो के अंदर। तो यार आज हम लोग माइनक्राफ्ट में बीकन बनाने वाले हैं। तो यार गाइस आप सभी को याद होगा कि लास्ट टाइम हमने एक फिशिंग हाउस बनाया था, तो यार आज के वीडियो में हम बीकन बनाएंगे जिससे हमें पावर मिलेगी। तो यार हम यार कुछ मतलब माइनिंग वगैरह करते रहेंगे, यार हमें कुछ जॉबिस को मारना पड़ेगा, तो यार हमें उससे पावर मिलती रहेगी। तो यार बीकन बनाने के लिए यार सबसे पहले मैं तो गया था मतलब लास्ट टाइम नेदर पोर्टल में, तब यार वहाँ पर मैंने एक मॉन्स्टर को मारा था और उससे मुझे एक स्टार मिला था। और भाई जैसे मैं इधर से वापस आता हूँ तो यार उसको मैंने क्राफ्टिंग टेबल को रख के भाई एक ग्लास और भाई तीन ऑब्सिडियन उस पर मतलब रेसिपी क्रिएट की थी, तब यार मुझे ये वाला बीकन ये देख सकते हो मिला था। तो यार बीकन के लिए मुझे अभी आयरन का बीकन बनाना है। तो यार गाइस यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ब्लॉक ऑफ आयरन को भी इकट्ठा कर लिया है, तो फटाफट से भी चलते हैं। यार मैंने वहाँ पर एक मतलब डायग्राम बना के रखा है, मतलब यार 11 ब्लॉक्स का मैंने वहाँ पर स्क्वायर बना लिया। अभी सिर्फ यार उसके ऊपर हमें आयरन लगाते जाना है। चलो फटाफट से चलते हैं यार गाइस। तो यहाँ पर सामने की तरफ देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर मैंने रास्ता भी बनाया जाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 11 ब्लॉक का भाई स्क्वायर बनाया है, मतलब यार चारों साइड से इसे सेम बनाया। अभी फटाफट से हमें यहाँ पर ऐसे बनाते जाना है मतलब। तो एक एक ब्लॉक हमें डाउन करते हुए जाना है, वही इसे तोड़ना पड़ेगा। तो हमें इसके ऊपर ऊपर बनाते जाना है, जैसे भाई पिरामिड होता है ना वैसे हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा अभी। तो फटाफट से यार बना लेते हैं अभी। तो यार गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक लेयर अभी यहाँ पर बनाए हैं। अब यार मुझे ऊपर की साइड अभी बनाते जाना है, तो जरा फटाफट से अभी यहाँ पर भाई एक एक ब्लॉक हमें ऊपर की तरफ लगाते जाना है। और भाई इसे बीच में से भाई पूरा पैक करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि भाई बीच में मतलब कुछ नहीं लगाया ऐसे ऊपर ऊपर बनाया, ऐसा नहीं यार, नहीं तो बीकन काम ही नहीं करता यार, मतलब यार पूरी तरीके से इसे पैक करना पड़ता है यार। चलो फटाफट से अभी ये दूसरा लेयर है मतलब ये तीसरा लेयर है। एक लेयर मैंने पहले से बना के रखा था, क्योंकि यार गाइस हमें समझ में आ चुके कि भाई हमें मतलब कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। तो यार गाइस ये बहुत मतलब जल्दी ख़त्म हो रहा है यार, कितने यार 2 स्टैक लाया था भाई मैं, मतलब यार 64 यूज़ भी हो चुके हैं और भाई पहले एक 64 लगे थे। यार गाइस आयरन भी कम बनाने के लिए यार आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर, तो ऐसे यहाँ पर लगा देना है हमें। ओके तो ऐसे फटाफट से सारी तरफ हमें ऊपर की साइड करते हुए जाना है। अभी यार हो चुके मतलब थोड़ा सा ही बचा है, फटाफट से लगा लेते। और मेरे ख्याल से भाई एक लास्ट अभी लेयर रह गई है। ओके गाइस ये लास्ट ही है मतलब एंड यहाँ पर है, तो यहाँ से ओके तो ये लास्ट है। और बीच में जो ये ब्लॉक आएगा अभी दिखा था आप लोगों को, ओके तो ये ब्लॉक पे हमारा बीकन रहेगा। तो एक बार आपको मैं नीचे चल के पहले तो पावर दिखा देता हूँ मतलब कितने धीरे से काम करते हैं अभी। पहले तो वही इसका पिकैक्स का दिखा था आप लोगों को, तो पिकैक्स देखो यार गाइस कितने धीरे काम कर रही है। थोड़े यार कॉबल स्टोन दिखते हैं नीचे जाके, शोवल यूज़ कर लेते हैं। ओके तो कॉबल स्टोन यहाँ पर आ चुके अभी। अभी देखो यार गाइस ये पिकैक्स मैंने ली यार, देखो मतलब ये डायमंड पिक्स इसलिए जल्दी टूट रहा है, पर यार इससे भी ज़्यादा जल्दी टूटेगा। देखो अभी अभी चलते हैं ऊपर की साइड और ये बीकन लगा देते हैं पहले तो, और आयरन लेके आना पड़ेगा हमें। ओके तो बीकन अभी हमारा ऑन हो चुका है, और भाई आवाज़ देखो इसमें से कैसे आवाज़ आ रही है बहुत खतरनाक सी। तो अभी हमें पावर के लिए भाई सीधा बीकन पे एक बार टच करना है। भाई इसमें ये जो जितने भी भाई कीमती चीज़ है मतलब यार डायमंड वगैरह सब यार इसमें यूज़ होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक स्पीड की पावर है, उसके बाद भाई आपने जो आपको बता दिया उसके बाद भाई थोड़े अपने हेल्थ के लिए जंप का बूस्टर और भाई स्ट्रांग मतलब यार ज़ॉम्बीज वगैरह को किल करने के। तो फटाफट से चलते हैं अभी आयरन लाने के लिए। और ये देखो यार आयरन गोलम कहाँ पर आ चुका है, इसे मैंने स्पॉन किया था भाई मेंशन में और ये यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल रहेगा क्या शायद से, ओके तो है। चलो तो मेरे पास आयरन ब्लॉक है, 9 ब्लॉक यहाँ पर मैंने ले लिया। अभी फटाफट से चलते हैं यहाँ पर, देखो और कितना खतरनाक लग रहा है मतलब। अभी इसमें व्हाइट लाइन है भाई यहाँ पर मेरे पास, रुको कुछ रहेगा सामान। तो यहाँ से अभी इसे सीढ़ियाँ बांध लेते हैं जाने के लिए। अब यार ये गलत लग चुकी है। ओके तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगाते हैं हमारे लिए।
बाकी ये जो व्हाइट कलर के इसके अंदर आप जो कलर वाले शीशा लगाएंगे मतलब ग्लास, तो यार इसका कलर भी चेंज होता है, वो बाद में करेंगे, अभी हमारे पास कलर अवेलेबल नहीं। तो मैं फटाफट से इस पे ऊपर टच करता हूँ, इसमें एक आयरन रखता हूँ और भाई तोड़ने के लिए। तो चलो अभी हमारे पास आ चुकी है पावर, पहले तो यहाँ पर खाना खा लेते, यहाँ पर भी तो ऊपर की साइड भाई यहाँ पर आ चुका है भाई 16 सेकंड के लिए भाई सिर्फ ये। चलो फटाफट से चलता हूँ मैं, देखो यार गाइस पावर देखो भाई, भाई मतलब यार टच करने के लिए भी भाई यार टूट रहा है भाई, देखो यार गाइस पावर देखो यार, बहुत फायदा यार इस बीकन का, तो मतलब यार ज़ॉम्बीज को मारने के लिए भाई हमारे लिए ये बहुत बढ़िया वाला चांस होने वाला है। तभी तो हमारी पावर ख़त्म होगी वैसे धीरे हो जाएगा, तो तब तक तो तोड़ते रहते भाई कि हमें भी पता चले भाई कब भाई ये ख़त्म होता है यार बहुत। अभी चलते बाहर भाई स्पीड बूस्ट भी ले लेते एक बार, 13 सेकंड अभी बचे भाई, 16 सेकंड अभी, 13। ओ भाई ये जल्दी नहीं ख़त्म होने वाली है, अभी चलते बाहर फटाफट से, कहाँ से आए थे ऊपर से, ओके ये लगाते जाने दो यार कुछ काम के नहीं वैसे तो। अभी चलते भाई और हम अभी लेते स्पीड कर लेते भाई, यहाँ पर मैंने एक आयरन रखा स्पीड का, ये वाला था ना गाइस, ओके स्पीड का आ चुका है। ओ भाई यार स्पीड बहुत तेज हो चुका है यार, भाई यार देखो कितने बंदा ये फास्ट भाग रहा है यार गाइस, क्या बोलो अभी यार जंप। तो चलो हाई जंप का भी लेके देखते क्या होता है। तो यार गाइस इस बीकन का तो भाई बहुत बढ़िया फायदा है जंप वाला है। ओ भाई जंप देखो यार कितने ऊंचे ऊंचे मार रहे है। ओ भाई इसलिए गेंद, ओ भाई रुको यहाँ पर देखो अभी यार कितनी ऊंची जंप मार रहा है ये बंदा। तो यार बीकन का यार सही में यार बहुत फायदा यार, हमें अभी तक पता नहीं था। तो यार मुझे लगा कि उस स्टार का भाई कुछ फायदा नहीं होगा यार, उस ज़ॉम्बीज को मैंने मारा था लास्ट टाइम किसमें यार, नेदर में मारा था शायद, ओके नेदर में ही मारा था मैंने उसे, तो मुझे लगा कि भाई मुझे उसका कुछ फ़ायदा नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आया तो भी देखा यार गाइस कि थोड़ा फार क्राफ्टिंग टेबल पे, तब पता चला कि भाई उससे बीकन बनता है, तो भी यार मैंने सोचा कि हम भी बीकन बनेंगे। वैसे यार हमारा आयरन फार्म की वजह से हमारे पास आयरन बहुत है, इसलिए भाई यार हमने यहाँ पर बना दिया। यार देखो मेरा अभी भी स्पीड बहुत तेज़ है, यहाँ पर देखो यार ये भाई जंप कितना खतरनाक सा मार रहा है, देखो यार गाइस यहाँ पर देखो जंप देखो यार, घर के अंदर चल के देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़े पर चेस्ट वगैरह लगाने, और भाई बाद में मैंने यहाँ पर ग्लास लगा दिए क्योंकि यार ये पूरी तरीके से ओपन लग रहा था, इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़े फर ग्लास ऐड कर दिए, तब यार अच्छा लग रहा है ये। तो चलो यार गाइस आज की वीडियो बस इतना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भाई माइनक्राफ्ट में मैं सोच रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट वाले एपिसोड में हमारे जो मेंशन है भाई इसे थोड़ा अपडेट कर लिया जाए, क्योंकि इसके अंदर ज़ॉम्बीज बहुत आते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ से इधर वाटर मतलब जो लाइन रहती है वाटर की वो यहाँ से लगा दिया जाए। तो यार गाइस आज की बस इतना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बस इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।